तो आपको उन सब मिथ्स पे बिलीव नहीं होंगे। तो ऐसे जब कोई बदतमीजी करता है तो उसे ये ब्लॉक करते हैं। अच्छा स्मेल करना ही पड़ेगा, ओडर फ्री रहना पसंद है, और ये पेपर टिश्यू से भी ज्यादा। तो हमें कलरफुल एंड अट्रैक्टिव ब्रश। हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं 10 रैंडम थिंग्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मुझे लगता है कि सभी गर्ल्स के पास होने ही चाहिए। ये जो 10 चीजें मैंने रखी है ना, मेरे डे टू डे लाइफ में तो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और ये मेरे लिए तो हेल्पफुल एंड यूजफुल है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई एम श्योर इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है न्यूड ब्रा। जब हम हमारे टीन्स एंड अर्ली ट्वेंटीज में होते हैं तो हमें कलरफुल एंड अट्रैक्टिव ब्रा खरीदने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, बट ट्रस्ट मी, अगर सबसे ज्यादा किसी कलर की ब्रा होनी चाहिए तो वो है न्यूड कलर। स्पेशली जब हम व्हाइट या पेस्टल कलर के आउटफिट्स पहनते हैं तो हमें ऐसे कलर अपने लॉन्ड्री कलेक्शन में जरूर रखना चाहिए। ये तो आप 100% समझो कि होना ही चाहिए। ये कलर अगर आपके पास है ना तो आपको ज्यादा कलर की ब्राज रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मेरे पास है मैंने मिंत्रा से लिया था, वहां आपको कंफर्टेबल एंड मल्टी वे ब्राज इजिली मिल जाएंगे। ये आप अपने मैक्सिमम ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, वन शोल्डर स्ट्रैप रखना हो या स्ट्रैपलेस आप इसे इजिली कर सकते हैं। मैं स्लीवलेस, थिन स्ट्रैप, हॉल्टर नेक, ऑफ शोल्डर पहनती रहती हूँ। तो आप लोग पूछते हैं कि कौन से ड्रेस के साथ कौन सी ब्रा पहननी चाहिए, तो अगर आपके पास ये है तो समझो आपके मैक्सिमम ड्रेस के साथ पहनने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अब जो मेरे लिस्ट में है वो है ये हैंकीज। इनको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आपको पता ही होगा कि जब आप बाहर जाते हो तो आपके साथ एक हैंकी होनी चाहिए। दूसरा, आप इन्हें वॉश क्लोथ की तरह भी यूज कर सकते हो। ये स्किन पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड जेंटल होते हैं। मैंने जब से इसे अपने लूफा से रिप्लेस किया ना, मुझे तो इनसे प्यार हो गया है। ये मैंने डीमार्ट से लिया था, आपको इजिली ये डीमार्ट में, मॉल में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो ये तो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए लिस्ट में। और ये पेपर टिश्यू से भी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो आप उनकी जगह ये यूज कर सकते हैं अपने फेस को वाइप करने के लिए या फिर अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन। अंडरआर्म्स के लिए हमें परफ्यूम या अल्कोहल वाले डिओड्रेंट्स की जगह पे ऐसे नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन यूज करना चाहिए। इससे हमारे अंडरआर्म की स्किन डार्क या अनइवन नहीं होती है। मैंने आपको मेरे एक वीडियो में बताया था कि मैं एक न्यू रोल ऑन ट्राई कर रही हूँ, तो वो ये कार्मसी का नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन है। ये ओडर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्किन को क्लॉक नहीं करता है, क्योंकि इनमें सिंथेटिक डिओड्रेंट्स की तरह अल्कोहल, एल्यूमिनियम एंड ट्राइक्लोसन नहीं है। इस तरह ये स्किन को नेचुरली ब्रीद करने में हेल्प करता है। डेली बेसिस के लिए ये कम्प्लीटली सेफ है, क्योंकि इनमें 95% नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, और इनमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, और इसको अप्लाई करने के बाद लगभग 8 आवर्स तक ये फ्रेश स्मेल करता है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो ये वो भी रिमूव करने में हेल्प करेगा, अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज करते हैं। इनमें 4 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस आते हैं। सबसे पहला है सिट्रस सी, इसका फ्रेग्रेंस कुछ कुछ लेमन एंड ऑरेंज जैसा है, अभी करेंटली मैं यही यूज कर रही हूँ। और दूसरा है ये फ्लोरल सनसेट, इसमें फ्लोरल टच है। जिनको फ्लावर की स्वीट स्मेल पसंद है ना, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे फ्लावर की स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और तीसरा है ये स्वीट समर, ये वेनिला की तरह स्मेल करता है, क्योंकि इनमें यूनिक एंड इनोवेटिव फ्रेग्रेंस है कोकोनट एंड वेनिला की, जिसकी वजह से ये समरी वाइब भी देता है। और अब लास्ट है ये फ्रेग्रेंस फ्री, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी टाइप से एलर्जी है या फिर बॉडी पे उनको कोई भी स्मेल नहीं पसंद है, पर उनको ओडर फ्री रहना है, फ्रेश फील करना पसंद है, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेक करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके पास होना ही चाहिए। कोई भी वेदर हो, स्वेट जरूर होता है, तो फ्रेश फील करने के लिए तो ये मस्ट है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और ये आपको Amazon पे भी मिल जाएगा, पर अगर आप वेबसाइट से बाय करते हैं तो आप 10% ऑफ के लिए मेरा कूपन कोड MISTY07 भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो कि मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था क्योंकि आप सब अभी स्क्रीन पे ही हो, और वो है ये स्क्रीन ग्लासेस। जब भी आप अपना फ़ोन चला रहे हो या फिर लैपटॉप स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हो तो आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए। ये 0 पावर के आते हैं, और जो आपके मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है वो आपके आईज तक ना पहुंचे तो उसे ये ब्लॉक करते हैं। जिनका काम ऑफिस में, घर में स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहता है, अगर आप पढ़ते भी हैं तो ये आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लगाएंगे ना तो ये आपको डॉक्टर लगवा देगा, जब आपके आईज में प्रॉब्लम होगी, हेडेक या पेन वगैरह होगा। तो
मैंने ये लेंस कार्ड से लिया था, आई गेस ये 1500 या 1600 का था और तब बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा था तो मैंने दो ले लिया था ये। अगर आपकी आई पावर है और आप चश्मा पहनते हैं तो उसमें भी आप ब्लू कट वाले ही लेंसेज लगवाएं, क्योंकि अगर आप ब्लू कट वाले लेंसेज नहीं लगवाएंगे तो चांसेस है कि आपके आईज को ये रेस हार्म करें, तो बेटर है कि आप ब्लू कट वाले ग्लासेस लगाएं। और अगर आपके आईज में पावर नहीं है तो आप स्क्रीन ग्लासेस यूज करें। नेक्स्ट है ये वाइप्स, अंडर आर्म वाइप्स। स्पेशली जब आप कहीं ऐसे बाहर जाते हैं और आपको नहीं पता हो कि कब इनकी जरूरत पड़ जाए तो ये आपके पास होना ही चाहिए। सोचो आप ऐसे कहीं मॉल या बाहर गए हैं और आपको वहाँ आपका क्रश दिख जाए तो आपको अच्छा स्मेल करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट ये मैंने आपको मेरे ग्रूमिंग वाले वीडियो में और बहुत सारी वीडियो में भी मेंशन किया है कि ये सुपर इम्पॉर्टेंट है अच्छा स्मेल करना, क्योंकि यही सबसे पहली चीज होती है जो कोई नोटिस करता है जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलते हो। ये भी सेम कार्मसी का है, अगर आपको इंस्टेंटली फ्रेशन अप होना हो या बैड ऑडर कंट्रोल करना हो तो ये परफेक्ट है। 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है जो कि स्किन के लिए बेटर एंड सेफ। इसका फैब्रिक स्किन पे जेंटल एंड 100% इको फ्रेंडली है। इनमें एंटी बैक्टीरियल ऑयल्स इन्फ्यूज किए गए हैं जो कि बॉडी ऑडर को कंट्रोल करता है और प्लेजेंट स्मेल करता है। इनमें 2 फ्रेग्रेंसेस लेवेंडर ऑयल एंड टी ट्री ऑयल आते हैं। एनी टाइम आपको फील हो कि आपके पास से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो इससे अपने अंडर आर्म्स को वाइप करो और रिफ्रेश फील होगा, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट है ये कुछ मेकअप रिलेटेड, मुझे लगता है कि मस्कारा एंड कलर्ड लिप बाम तो होना ही चाहिए। मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ एक्सेप्ट जब मुझे शूट करना होता है। अगर आपको हैवी मेकअप बिल्कुल ना पसंद हो तो आप ये मस्कारा एंड कलर लिप बाम लिप्स पे एंड थोड़ा बहुत ब्लश की तरह अप्लाई करते हैं तो आपका इससे लुक जो है बहुत ज्यादा नेचुरल एंड क्लीन लगेगा। मस्कारा अप्लाई करने से आईज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और मैं मोस्टली मेबलिन का यूज़ करती हूँ, अभी मैंने यही अप्लाई किया हुआ है। लिप बाम मोस्टली आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं ये डॉट एंड की का स्लीपिंग मास्क अप्लाई करती हूँ और ये ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा मुझे बॉडी शॉप का भी अच्छा लगता है। और कलर लिप बाम के अलावा आपके पास वैसलीन भी होना चाहिए लिप्स को ऐसे मॉइस्चराइज रखने के लिए, वैसे तो ये काम करता है बट ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है ये पैंटी लाइनर्स, ये भी पैड्स की तरह होते हैं पर ये आपको पीरियड डेज में नहीं बल्कि पीरियड्स के स्टार्टिंग में, जब आप श्योर ना हो कि आपको कब पीरियड्स आ जाएंगे तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल डेज पे जो आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होगी या वाइट डिस्चार्ज के लिए, ये आप अपने पैंटी लाइन्स को सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैं यहाँ कार्मसी का ही ब्रांड रिकमेंड करूंगी, बहुत थिन लाइट वेट होते हैं और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो परफेक्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, आपको 90-100 रुपीज़ में 20 लाइनर्स मिलते हैं और ये आपका एक दो मंथ आराम से चलेगा जिस हिसाब से आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि आप लोगों को बताइए कि मैं वैक्सिंग करती हूँ उसका तो मैं पूरा सामान रखती ही हूँ पर मैं ये रेजर भी रखती हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अब शेविंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं पर अगर आप प्रॉपरली शेव करोगे एंड आफ्टर शेविंग रूटीन भी अच्छे से फॉलो करोगे तो आप उन सारे मिथ्स पे बिलीव नहीं करोगे कि शेविंग से डार्क हार्ट या ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है। एमरजेंसीज के लिए परफेक्ट है ये, स्पेशली अगर आप बाहर से वैक्सिंग करवाते हो तो आपको अपने साथ एक रेजर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पार्लर में क्या होता है कभी कभी वो अच्छे से वैक्स नहीं करते हैं। कभी कभी क्या, मेरे साथ तो हमेशा होता था जब मैं बाहर से वैक्सिंग करवाती थी तो कभी नी पे रह जाता था कभी हैंड्स पे रह जाता था तो वो अच्छा नहीं लगता। और अगर आप खुद से वैक्स करते हैं तो भी आपके पास होना चाहिए, कभी ऐसे कहीं बाहर जाते हो तो आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हो क्योंकि पूरा किट कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मैंने वीनस, कार्मसी, सिरोना एंड पी सेफ का भी यूज़ किया है तो सारे ही अच्छे हैं, आप उनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है सनस्क्रीन्स, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है। अभी जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ वो है न्यूट्रोजना, ला शील्ड, अयोगा, डॉट एन की, फॉरेस्ट एजेंशियल एंड विशकेयर। इन सब के बारे में मैंने अपने सनस्क्रीन वाले वीडियो में डिटेल में बताया है और सनस्क्रीन कितना इम्पॉर्टेंट है ये अगर आपने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है तो बाद में आप ज़रूर रिग्रेट करोगे, तो जो गलतियाँ मैंने अपने बचपन में की हैं वो गलतियाँ आप मत करो। एक अच्छा सनस्क्रीन लो और उसे डेली बेसिस पे ज़रूर यूज़ करो। लास्ट आइटम है ये सेफ्टी पिन, घर में तो सबके होता ही है पर आप जब बाहर जाते हैं तो इसे ज़रूर कैरी करें। इससे ना केवल आप अपने ड्रेस को सिक्योर कर सकते हैं बल्कि अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं, ऐसे जब कोई बदतमीजी करता है तो इससे आप उसे पिंच कर सकते हैं और पिंच करके अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो सेफ्टी पिन अपनी पूरी सेफ्टी के लिए रखें। और बस ये थे मेरे कुछ रैंडम एंड एसेंशियल थिंग्स। अब यहाँ ख़त्म होती है आज की वीडियो, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया और वीडियो हेल्पफुल रही हो। कॉमेंट में ये बताना मत भूलना कि इन सब में से क्या क्या चीज़ें आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं
और क्या क्या चीज़ें आप ये वीडियो देखने के बाद यूज़ करने वाले हैं। कमेंट करने के बाद और यहाँ से जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।